दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों आज हम बात करेंगे मूलांक एक और भाग्यांक दो के कम्बिनेशन के बारे में। दोस्तों एक नंबर सूर्य का नंबर है और दो नंबर चंद्रमा का नंबर है। दोस्तों इनका लक फैक्टर 80% होता है। दोस्तों अंक दो चंद्रमा का है जो कि घटता और बढ़ता रहता है, इसलिए इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव दोनों होंगे। लेकिन मूलांक एक होने के कारण जिसका स्वामी सूर्य है, यदि ये सूर्य देव की उपासना करेंगे तो वह आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेंगे और कार्यों में सफलता देंगे। दोस्तों इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है जिसके कारण यह योजनाएं बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन उन योजनाओं को एप्लीकेबल करने में यानी अमल करने में इन्हें दिक्कत महसूस होती है क्योंकि इनकी डिसीज़न लेने की पावर कमज़ोर होती है। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होने के बावजूद डिसीज़न नहीं ले पाते और हाँ या ना में फंस जाते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है और वही आत्मविश्वास ही इन्हें सफलता दिलाता है। यह लोग चिंता बहुत करते हैं और विपरीत सेक्स के प्रति आकर्षित जल्दी होते हैं। दूसरों का काम सफलतापूर्वक करते हैं और अपना काम करने में इनको दिक्कत महसूस होती है। इनकी कार्य करने की क्षमता कमज़ोर होती है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पुअर होता है। इनकी अपने सहकर्मियों से नहीं बनती। ये लोग फिज़िकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन उतने ही ये मेंटली वीक होते हैं। इसी कारण कई बार लोग इन्हें धोखा भी देते हैं। इमोशनल होने की वजह से कोई भी बात दिल पर जल्दी लगा लेते हैं। दोस्तों अपनी असफलताओं से बचने के लिए नेम करेक्शन करना इनके लिए अनिवार्य हो जाता है और नेम करेक्शन के साथ साथ रविवार को या रविवार के दिन सफ़ेद चीज़ का दान करें। राइट हैंड में चांदी का छल्ला धारण करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें और साथ में शिव जी पर जल चढ़ाएं। दोस्तों अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।